सो दोस्तों, शिवलिंग चौगले वीव ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए गाइज, हम आपको आज इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं, जैसा कि हम हमारे जो गांव को यहां से निकल चुके हैं अभी, जैसा यहां से हम एक ओला रिक्शा में यहां से जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे फैमिली है हमारे साथ में पूरा, ये जो अर्पिता आराध्या मेरी जी लाइफ पार्टनर है, उसके साथ मेरी जो बहन है बड़ी बहन है, ये इनसे लेके हम सब यानी ओला में जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं अर्पिता आराध्या, सभी को आप देख रहे हो। देखिए दोस्तों, आपको बताता हूँ, इस वीडियो में यही बताना चाह रहे हैं कि हम अभी गांव को निकल पड़े हैं, जैसे कि गांव में जाएंगे। ये जो स्टेशन में हम पहुँच चुके हैं, अभी स्टेशन में पहुँचने के बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा नज़ारा स्टेशन का, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए इंतज़ार करते हुए जो ट्रेन कब आएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ट्रेन में यानी जाएंगे। जैसे कि रेलवे में बैठेंगे तो आपको भी यहाँ से दिखाएंगे कैसे कैसे नज़ारा है, कैसा कैसा यहाँ से आपको जाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर अर्पिता आराध्या यहाँ पर मज़ा उठा रहे बैठे हुए, अभी देखने को मिल रहा होगा आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अगला स्टेशन का जो यहाँ नज़ारा देखिए, जो पटरी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये साइड से तीन यानी कि पटरी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए पूना का स्टेशन है ये छोटा सा, ये कहा जाता है चिंचोड़ कहा जाता है, वो स्टेशन में हम इंतज़ार कर रहे हैं यानी कि कब आएगा रेलवे जो ट्रेन का, यहाँ से हमारे गांव को जाने के लिए यहाँ पर ट्रेन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सफ़र। ये देखिए दोस्तों पूरा माहौल कैसा है यहाँ पर स्टेशन का, लेकिन लोकल ट्रेन यहाँ पर मिलता है दोस्तों, यहाँ से हम यानी कि पूना स्टेशन मेन स्टेशन को जाने के लिए यहाँ से जाते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हमारे जो फैमिली है, यहाँ से हम सब साथ में मिलके जाएंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को स्किप भी ना कीजिए, स्किप करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा वीडियो देखने में। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे हमारी, जैसा कि शादी होने के बाद जो हम गांव को, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा जो स्लीपर जो डब्बा है, यहाँ पर जो बोगी है वहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये देखिए ये जो बोगी है, अंदर हमारा जो सीट है यहाँ पर, यहाँ हम बाहर दरवाजे के पास आके आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए देख रहे होंगे आप, ये देखिए जो स्लीपर का बोगी है, ये देखिए उद्यान एक्सप्रेस कहा जाता है। इस रेलवे से हम यहाँ सफर स्टार्ट कर चुके हैं, जैसा कि हम यहाँ से अभी सोलापुर या तो दुधनी तक हम यहाँ पर टिकट यानी कि किया हुआ है बुकिंग, तो दुधनी जो छोटा सा ये गांव है स्टेशन है वहाँ हम उतरेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो अंदर का बोगी का नज़ारा है, ये देखिए हम यहाँ से दुधनी को उतरेंगे, वहाँ से हम फिर हमारे गांव को ये कोई भी वहाँ से छोटा सा ओला वला करेंगे या तो कोई गाड़ी तिम मिलेंगे तो वहाँ से हम घर पर निकल जाएंगे, जैसे हमारे जो गाँव को जो कहा जाता है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट आलंद तालुका, वहाँ से हम जाएंगे। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं हमारे गांव के अंदर, ये देखिए हमारे गांव का माहौल है ये, यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो रोड है, यहाँ पर बस स्टॉप है और यहाँ पर जो गाड़ी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये स्कूल है यहाँ पर जो पशु पक्षी का। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे माता जी है और यहाँ पर जो घर का अंदर जो माहौल बना हुआ है, ऐसे ही कोई यानी कि प्रोग्राम हमारे फंक्शन है हमारे घर पे, जो फंक्शन यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा यहाँ से। ये देखिए सब हमारे जो रिश्तेदार रहेंगे, सभी के सभी मेरे फूफू जो मेरे मामा के जो सब यहाँ पर मामा आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर सब देख रहे होंगे आपको, बहुत से यहाँ पर लोग आ चुके हैं रिश्तेदार। हम आपको ज़्यादा यहाँ पर सबके बारे में नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो फ्रूट्स रखा हुआ है, जैसे कि ये फंक्शन ऐसे ही होता है जो फ्रूट्स देने को आते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पर घर पे पहुँच चुके हैं जैसे रिश्तेदार। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम जल्द से जल्द अपलोड करने के बाद नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को मज़ा लेते रहे और वीडियो अंत तक देखते रहे।
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों आपको बताता हूँ मैं, ये जो फ्रूट्स जो फल लाया गया है, जैसा कि हमारे जो रिश्तेदार घर पे आए थे वो सब यहाँ पर जो फल फ्रूट्स लाया जाता है, जैसा कि कर्नाटक में बहुत ही यानी कि जो रिवाज है ये रीति रिवाज किया जाता है, जैसा यहाँ पर जो फल फ्रूट्स लाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर जो भी हमारे जो घर पे मेहमान आ चुके हैं ये सब यहाँ पर बैठे हुए अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए ये जो यहाँ पर आराध्या है ये हमारे पिताजी है, उसके माता है हमारे, और आगे जो हमारे जो छोटे जो रिश्तेदार जो बच्चे रहेंगे उनके वो है। ये देखिए सामने जो घर दिख रहा है उसके साइड में एक गाड़ी दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, ये हमारा घर है, ये घर के पास ही यहाँ पर जो सब रिश्तेदार बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए हमारे माता जी है जो यहाँ पर, मेरे माँ है और मेरे लाइफ पार्टनर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जो रिश्तेदार आ चुके हैं अभी, जो भी हमारे जो मेहमान घर पे आए हुए हैं वो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि अभी जो घर में फंक्शन हो रहा है और बहुत गर्म हो रहा था दोस्तों, तो सब लोगों को हम यहाँ पर बाहर यानी बिठा दिए हम। ये देखिए अंदर ये जो घर है ये यहाँ पर जो कुछ कपड़े यहाँ पर जो पहनाया जाता है सभी को, यहाँ पर जो कपड़े पहनाया जा रहा है जैसे कि साड़ी जो भी हो जो आते हैं, तो मेहमान को हम ये रिवाज है कि उनको भेजते समय साड़ी या तो कुछ वो जो रहता है वो जो रीत रिवाज किया जाता है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा।
चलिए दोस्तों, अभी हमारे जो मेहमान है अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, जैसे कि उनके घर पे जाने वाले हैं, उनके गांव को जाने वाले हैं। अभी सब यहाँ पर हो चुका है, जो फंक्शन है, जो कार्यक्रम था, जो घर पे जो क्या करने वाला जो प्रोग्राम था, सब यहाँ पर अभी एंड हो चुका है। जैसा यहाँ पर देख रहे होंगे आप, सभी लोग यहाँ से निकलने वाले अपने अपने गाँव को। ये देखिए हमारे जो मामा है यहाँ पर, जो ये जो हमारे पिताजी है और ये हमारे मामी है, यहाँ से अभी जाने वाले अपने गांव को। ये देखिए जो हमारी जो चाची है, ये देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा घर। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो कोई भी अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए हम सभी को यहां से अभी विदा करते हैं, अभी भेज देते हैं सभी को गांव पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.